वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें जनसत्ता.com, बेल आइकन दबाकर पाएं लेटेस्ट नोटिफिकेशंस। नमस्कार, जनसत्ता देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आदुषी श्रीवास्तव। नुपुर शर्मा को लेकर देश भर में गुस्सा है, आक्रोश है, हिंसा है, यहां तक कि लोग उनके गिरफ्तारी की मांग तेजी से उठा रहे हैं। पिछले शुक्रवार हुए जुम्मे की नमाज के बाद कानपुर में जो हिंसा भड़की थी, जो पथराव हुआ था, उसके मद्देनजर इस शुक्रवार को पुलिस की तैनाती मस्जिदों के बाहर पहले से ही कर दी गई थी, संदिग्ध इलाकों की पहचान करने के बाद। लेकिन उसके बाद भी जुम्मे की नमाज को शांतिपूर्वक बीत गई, लेकिन नमाज होते ही तमाम लोग दिल्ली के जामा मस्जिद के बाहर, यहाँ तक कि सहारनपुर की जामा मस्जिद के बाहर सैकड़ों की संख्या में पहुंच गए। वहाँ नारेबाजी करने लगे, नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी की मांग करने लगे, नवीन कुमार जिंदल की गिरफ्तारी की मांग करने लगे। यहां तक कि कल का मामला जैसे से पुलिस प्रशासन ने संभाल लिया, लोगों को उनके उनके घर भेज दिया गया, हवाई फायरिंग करनी पड़ी, लोगों ने पत्थरबाजी की, कई गाड़ियों पे आग लगा दी, नुपुर के पुतले तक को फूंक दिया। लेकिन उसके बाद भी पुलिस प्रशासन ने माहौल पे काबू पा के जैसे तैसे उग्रवादियों को जो है अपने अपने घर भेज दिया। लेकिन उसके बाद अभी भी माहौल शांत नहीं हुआ है, माहौल अब बिगड़ गया है पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल के हावड़ा में जो है सुबह से ही प्रदर्शन जारी है, जिसके वजह से पुलिस ने जो है आंसू गैस लोगों में बहाया। लेकिन ऐसा नहीं है कि इस पूरे क्रम में नुपुर शर्मा के खिलाफ लोग बोल रहे हैं। अहमदाबाद के स्कॉन सर्कल के पास सैकड़ों की संख्या में लोग जमा हो चुके हैं और वो नुपुर शर्मा के लिए नारे लगा रहे हैं। नुपुर शर्मा के लिए जय श्री राम के नारे लगाए जा रहे हैं, नुपुर शर्मा के हित के लिए नारे लगा रहे हैं। इनका कहना है कि नुपुर शर्मा के साथ खड़े हैं। नुपुर शर्मा ने जो भी कहा है लाइव टीवी डिबेट में पैगंबर मोहम्मद के खिलाफ, उसने कुछ भी गलत नहीं कहा है। नुपुर शर्मा ने बिल्कुल सही कहा है। और जैसे पूरी दुनिया उनके खिलाफ हो गई अचानक से, देश तो क्या विदेश से भी लोग जो है नुपुर शर्मा के खिलाफ हो चुके हैं कि उन्होंने जो बोला वो गलत बोला। लेकिन अहमदाबाद में ये जो आप फोटोज देख रहे हैं, जो वीडियोस देख रहे हैं आप, इससे पता चलता है कि लोग जिस हिसाब से जय श्री राम के नारे लगा रहे हैं, लोग नुपुर शर्मा के नारे लगा रहे हैं, उनके साथ खड़े हैं, सबको सपोर्ट कर रहे हैं। ये देखकर लगता है कि ये जो मामला है ये अभी तक अभी शांत नहीं होने वाला है, क्योंकि अब इसमें दो जो है राय खड़ी हो चुकी हैं। इससे पहले चला रहा था कि नुपुर शर्मा गलत है, उनकी गिरफ्तारी होनी चाहिए, वो निलंबित हो गई, बीजेपी पर जब दबाव बनाया गया तो उनको निकाल दिया गया पार्टी से, नवीन कुमार जिंदल को भी निकाल देगा पार्टी से। और अभी तक ये देखने को मिल रहा था कि पूरी दुनिया जो है नुपुर शर्मा के खिलाफ खड़ी हो चुकी है, उनके गिरफ्तारी के लिए आंखें लगा कर बैठी है कि वो कब देख पाए कि नुपुर शर्मा की गिरफ्तारी कब होगी। और यहाँ तक कि आज जब ममता बनर्जी ने ये बोल दिया, जब ट्वीट के माध्यम से ये तक बता दिया कि आखिर बीजेपी के पापों का भुगतान जो है जनता क्यों करेगी, तो जैसे ये जो पार्टीज हैं, विपक्ष पार्टीज जो हैं, ये जो अपने हाथ खींचते हुए नजर आ रहे हैं इस पूरे मुद्दे से, अब तक ये लग रहा था कि सब के सब नुपुर शर्मा के खिलाफ है। लेकिन अहमदाबाद में जैसे ये लोग पहुंचे, उन्होंने नुपुर शर्मा के लिए जय श्री राम के नारे लगाने शुरू कर दिए, नुपुर शर्मा के लिए नारे लगाने शुरू कर दिए। लगता नहीं है कि माहौल जो है जल्दी शांत होने वाला है, जल्दी ठंडा पड़ने वाला है। हालांकि फिलहाल वेस्ट बंगाल में मामला काबू में है, लोगों को उनके उनके घरों पर भेज दिया गया है, आंसू गैस बरसाए गए थे, सीआरपीएफ के जवानों को तैनात कर दिया गया था। रांची में अभी भी सीआरपीएफ के जवान जो हैं तैनात हैं, मस्जिदों के बाहर 550 से ज़्यादा पुलिसकर्मी तैनात हैं, इंटरनेट सेवाएं जो हैं रांची में बंद कर दी गई है, कश्मीर जैसा मंजर देखने को मिल रहा है। लेकिन अभी माहौल काबू में है और अभी देखना यह मजेदार होगा कि आगे क्या होता है। इस बुलेटिन में इतना ही, उम्मीद करते हैं बुलेटिन आपको पसंद आया होगा। बाकी रही दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरें देखने के लिए बने रहना होगा आपको जनसत्ता.com के साथ।